नेक्स्ट वर्क है आपका हिंदी। हिंदी पढ़ो और सीखो में आपको अव्यंजन करना है नोटबुक में। नोटबुक में आप लिखेंगे ठ से ठप्पा, ठप्पा मतलब स्टैम्प मोहर, ठ से ठक ठक नॉक नॉक, ठ से ठग जो सामान को उठा के ले जाता है, ठ से ठठेरा जो बर्तनों को ठोक ठोक के बनाते हैं। ओके तो पहले बच्चे आप करेंगे रीडिंग वर्क हिंदी पढ़ो और सीखो में पेज नंबर 2 8 28। उसके बाद आप करेंगे नोटबुक में वर्क। आज आपकी मैम कौन सी एक्टिविटी ड्रॉ करके लेके आई है, ठ से ठप्पा। आप कटिंग करके भी पेस्ट कर सकते हैं और आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, पर आपको लेफ्ट साइड में एक्टिविटी ही ड्रॉ करनी है। आप हेडिंग भी लिखेंगे और साथ में पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे और आप राइट साइड में लिखेंगे अपना रिटन वर्क। तो बच्चों हम नोटबुक में लिखने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम बोर्ड पर प्रैक्टिस, उसके बाद हम करते हैं नोटबुक में। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखते हैं, लाला जी की छत, लाला जी की स्मॉल सी छड़ी, लाला जी की छोटी सी छड़ी और लाला जी का गोल गोल मोटा पेट, गोल गोल। इजी है ना, ऐसे ही आपने ट भी किया था, ट में आपने सी लिखा था और ठ में आपको गोल गोल, लाला जी का मोटा पेट गोल गोल राउंड में। अब बच्चे अब हम ऐसे ही करेंगे नोटबुक में वर्क। नोटबुक में आपको लिखना है डेट, आपको मेंशन करनी है, आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे और साथ में आप रिटन वर्क लिखेंगे, लाला जी की छत, लाला जी की छड़ी और लाला जी का मोटा पेट, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा, ठ से ठक, ठक ठक नॉक नॉक कौन है, ठ से ठग। ऐसे ही बच्चों आपको ये रिटन वर्क करना है कंप्लीट। और बच्चों साथ साथ में आपको रिटन वर्क के साथ साथ में आपको करनी है अपनी स्मॉल सी राइम भी लर्न करनी है, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे राइम भूल जाएंगे। तो साथ साथ में आप राइम की भी प्रैक्टिस किया करो डेली। तो बच्चों ये था आपका हिंदी का वर्क। तो अब हम करेंगे स्मॉल सी राइम, आहा टमाटर बड़ा मजेदार, ये भी आपको आती है। एक दिन उसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। तो बच्चों ये थी आपकी राइम। तो ओके बच्चों कल हम फिर से आएंगे न्यू वर्क के साथ एंड न्यू एनर्जी के साथ। ओके बच्चों बाय बाय।